आपके पास ऑलरेडी एक सीएससी आईडी है, सीएससी वेली आप पहले से है, तो आपको पता होगा डीजी पे क्या है, जिसमें हम बैंकिंग सर्विस कस्टमर को देके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डीजी पे वर्सेस डीजी पे लाइट। डीजी पे पहले चलता था, अभी डीजी पे लाइट आ चुका है, तो कौन सबसे बेहतर है? क्या अभी भी आपको डीजी पे लाइट ही यूज़ करना है? क्योंकि डीजी पे लाइट एक अपर वर्जन है, और डीजी पे लाइट अच्छा है या फिर बुरा, इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं, आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। TGP से DGP Lite का दोनों का एक बहुत ही बड़ा अंतर है, जो कि मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसकी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में। जब भी आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट, ये सब करते हो, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। DGP में क्या होता था, पहले आप कैश विड्रॉल जो करते थे वहाँ पर आपको सिंपल से करना होता था, ठीक वैसे ही अभी भी आपको सिंपल से ही करना होता है। बट यहाँ पर एक चेंजेस किया गया है बैलेंस इंक्वायरी को लेकर। DGP में आप बैलेंस इंक्वायरी करना काफ़ी मुश्किल होता था, वहाँ पर काफ़ी सारे बहुत टाइम तक आप बैलेंस इंक्वायरी कस्टमर का नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है DGP Lite में आप इजीली बैलेंस इंक्वायरी कोई भी कस्टमर का, किसी भी बैंक का कर सकते हो। CSC में हम अगर आप एक महीने में कमाते हैं तो हार्डली 30,000 ही कमा सकते हैं, ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन CSC से और भी एक बहुत ही बेहतर सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बताऊँ, पैन कार्ड एजेंसी, हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया था जिसमें ज़्यादा कमाई होगा ही। काफ़ी सारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर डेली का 1,000-2,000 रुपये ऐसे कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी कमाना है, उसका प्रोसेस जानना है, तो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्टली आईडी ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद है मिनी स्टेटमेंट भी अभी आप कर सकते हो। DGP और DGP Lite में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद है आधार पे, अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, मैंने तो यूज़ ही नहीं किया। आप अगर DGP Lite में आधार पे अगर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसका कैसा है फंक्शन, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट माइक्रो ATM। अगर आपके पास MATM है CSC DGP का, तो पहले का सिस्टम और अभी के सिस्टम में ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले जैसे आपको कनेक्शन का जो प्रोसेस होता था सेम आपको वैसे ही आपको करना होता है अभी भी, और कमीशन की बात करें सेम ही है, कोई अलग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैश आउट, यानी कि पे आउट। अपने वॉलेट में अगर ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आप NEFT या फिर IMPS के थ्रू अपने अकाउंट में सेटलमेंट करते हो। यहाँ पर एक चेंजेस किया गया है कैश आउट में, जिसमें आप पहले DGP में बस एक ही अकाउंट को ऐड कर सकते थे, जो अपने CSC वॉलेट में जब आप अकाउंट को ऐड करोगे उसी में ही सेटलमेंट होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, DGP Lite में आप मल्टीपल अकाउंट को ऐड कर सकते हो, जिसमें अपने हिसाब से जहाँ पर जिस अकाउंट में जिस वक्त आपको दरकार होगा उस अकाउंट को आप चूज़ करके उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि सेटलमेंट कर सकते हो। ये एक अच्छा चेंजेस किया गया है मेरे हिसाब से। इसके बाद जैसे कि आप पहले CSC में DGP को सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते थे, लेकिन DGP Lite में आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना मोर्फो डाउनलोड, यानी कि आपका मंत्रा, मोर्फो, स्टार्टेक, जो भी आपके पास है फिंगरप्रिंट डिवाइस, उसका सॉफ्टवेयर के डाउनलोड करना होता है। लेकिन यहाँ पर DGP को लेकर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट बेस्ड है, वेबसाइट में आपको लॉगिन करके काम करना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चेंजेस है और अच्छा भी एक तरह से, क्योंकि DGP काफ़ी समय में लॉगिन होने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन DGP Lite में लॉगिन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। तो DGP में जैसे आप रजिस्ट्रेशन कुछ करना नहीं होता था, बस आपको CSC ID डाल के आगे जाना होता है, लेकिन DGP Lite में आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर आपको नहीं पता कि CSC DGP में आप कैसे अपने लाइट वर्जन को एक्टिव कर सकते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे लॉगिन करेंगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही माइक्रो ATM कैसे आप एक्टिव करोगे और कैसे यूज़ करेंगे, उसका भी आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा चेंजेस की, सबसे मेन चेंजेस की। आपको पता ही होगा DGP जब आप इस्तेमाल करते थे पहले, अगर आप अपने दुकान में बैठते थे तो वहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन भी था कि अगर आप एक बार फिंगर लगा लिए, एक बार बायोमेट्रिक डिवाइस ऑथेंटिकेशन कर दिए, उसके बाद 24 आवर, तो क्या जितना दिन भी आपका लैपटॉप ऑन होता रहेगा, डेस्कटॉप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, डेस्कटॉप अगर आप शॉट डाउन करेंगे तो वो नेक्स्ट डे फिर से लॉगिन होगा। तो अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते थे तो एक बार आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में लॉगिन हो गया है तो आप बिना शॉट डाउन किए आप ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते थे। लेकिन DGP Lite में ऐसा नहीं है, अभी वो बायोमेट्रिक डिवाइस को हटा दिया गया है, बायोमेट्रिक डिवाइस ऑथेंटिकेशन वाला जो लॉगिन प्रोसेस था, ये बहुत ही बड़ा और मेजर चेंजेस है,
जो लोग भी सीएससी आईडी जिसके पास है वो जब अपने दुकान में नहीं बैठते हैं, अपने किसी जो एम्प्लॉय को रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा है, क्योंकि अभी जो लॉगिन का प्रोसेस है वो ओटीपी के ज़रिए कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, आप कहीं दूर में भी हो तो ओटीपी देने के बाद वो लॉगिन हो जाता है। उसके बाद दिन भर में वो लॉगआउट होता भी है तो आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी नहीं मांगेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंजेस और अच्छा यहाँ पर अपडेट किया है सीएससी ने। इसके बाद लास्ट में जो चेंजेस की बात करें वो है कमीशन को लेकर। अगर आप पहले पता होगा डीजीपे में जब आप इस्तेमाल करते थे तो आप दिन भर में जितना काम करते थे, जितना आपका कमीशन बनता था, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आपको अपने वॉलेट में देखने को मिल जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी आप ट्रांजेक्शन करोगे 10,000 रुपीज़, तो 10,000 का जितना भी पैसा बनता है नेक्स्ट अभी विद इन 1 सेकेंड में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आपके वॉलेट में 0 है, 10,000 आप उठल करते हो तो 10,010 रुपीज़ ही आपके वॉलेट में आएगा। जो TDS कट के जो आता है 9-10 रुपया, वो आपके वॉलेट में आएगा। पर ट्रांजेक्शन आपको कमीशन देखने को मिलेगा। ऐसा आपको नहीं है कि एक महीना तक या फिर एक दिन तक वेट करना होगा, पर ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा, जो एक तरह से सही भी है। वो जो कमीशन का जो पैसा है आप अपने ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल चेंजेस की बात की जाए तो डीजीपे से डीजीपे लाइट में काफ़ी चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन काफ़ी जगह चेंजेस किए गए हैं। और डीजीपे से डीजीपे लाइट मेरे हिसाब से बेहतर है जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, अगर आप सीएससी डीजीपे लाइट ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अभी भी आप डीजीपे इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीजीपे लाइट अभी से इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो डीजीपे लाइट को ही आप हमेशा के लिए यूज़ करने बैठेंगे। तो अगर आपको इसका एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं मालूम, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं नहीं मालूम, माइक्रो एटीएम कैसे एक्टिव करेंगे नहीं मालूम, या फिर आप कैसे यूज़ करेंगे नहीं मालूम, तो सारे वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं।